वहां के किसान खेत मजदूर भाई बहन हमको बताए कि ये जो देश भर में गुजरात मॉडल के नाम से ये लोग चलाए हैं, ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदानी मॉडल है, ये मोदी और अदानी का लूट का मॉडल है, ये आपका जल जंगल जमीन और खनिज संपत्ति का लूट का मॉडल है, वही लूट का मॉडल आज यहाँ चल रहा है। वो कहे थे जमीन नहीं छीना जाएगा, सरकार में आके 6 महीने के अंदर वो एक अध्यादेश ले आए जिसके अनुसार जमीन लेने के लिए किसान का सहमति का जरूरत नहीं था। क्या कहे, एक छोटा हस्ताक्षर लगाने के लिए आपका पॉकेट में जो कलम है वो चाहिए तो हम जबरदस्ती नहीं छीन सकते, आपसे अनुरोध करना पड़ता है और हस्ताक्षर के बाद धन्यवाद सहित उसको वापस लेना होता है। किसान का जीवन आधार, खेत मजदूर का जीवन आधार, जो जमीन जो उनका जीवन से जान से प्यारा है, उस जमीन को लेने के लिए आपसे पूछने का जरूरत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का कहना था। अखिल भारतीय किसान सभा, हम कहे इसको नहीं मानते, देश के सभी किसान खेत मजदूर संगठन, दलित आदिवासी संगठन, जन संगठनों का एकजुट एक संघर्ष चले, भूमि अधिकार आंदोलन नाम का एकजुटता बनाए हम और देश भर में हजारों किसानों का आंदोलन चला। हम देखे कि 300 से अधिक जिलों में ये जो काला कानून था उसको जलाया गया और इस सरकार डर के मारे उस कानून काला कानून को वापस लेना पड़ा। इस एकता को और व्यापक करने का जरूरत है। अभी वो भाजपा शासित प्रदेशों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य प्रदेशों में इससे भी खतरनाक कानून ले आने का कोशिश कर रहे, उसका भी हम रोकेंगे। साथियों, देश भर में एकजुट संघर्ष चल रहा है, सब क्या कर रहे, देश में धर्म के नाम से, जाति के नाम से दुश्मनी दरार पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग को एकजुट होने का जरूरत है। हम देखे कैसे अखिलाख को मारा गया, कैसे लातेहार में 2 मुसलमान युवक को मार के पेट से माना गया और गुना में कैसे 4 दलित को मार के पूरा गुना में घसीटा गया, इसके खिलाफ एक व्यापक एकता बनाने का जरूरत है। उस एकता का ही संदेश इस किसान संघर्ष खाते से हम ले आए। साथियों, देश भर में हम देखे एक नया नौटंकी इनका नोटबंदी के नाम से, काला धन बंद करने का नाम से ये क्या कर रहे हैं, आपका खून पसीने का जो पैसा है उसको बना रहे हैं कि ये काला धन है। कस्बा कटार में लोग खड़ा होने में मजबूर है। साथियों, ये आपका खून पसीने का जो मेहनत का कमाई है उसको जमा करने जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि आपका उंगली पर काला स्याही लगाएंगे। हम कहते हैं आप अगर स्याही लगाना है पहले मल्या पर लगाओ, स्याही लगाओ अंबानी पर लगाओ, स्याही लगाओ अदानी मोदी का नंबर दिया यार को स्याही लगाओ। साथियों, ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है, ये जन सैलाब मोदी देख ले, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। साथियों, हम कहते हैं यहाँ किसान आए हैं कि इस लूट की सरकार मोदानी सरकार को ना हम कर्जा देंगे, ना कर्जा देंगे, ना हमारा जमीन देंगे, जमीन हमारा हक का है, नारा लगाइए तो मैं जमीन हम चाहे लड़े।